आज 12 बजे 11 नंबर कोर्ट में माननीय द्वय न्यायाधीश के उपस्थिति में कल जो शुरुआत किया था द्विवेदी जी ने, द्विवेदी जी ने कल जो बात जहां छोड़ी थी उससे आगे करते हुए उन्होंने आज फिर उस बातों को रखा है और राज्य सरकार का पक्ष उन्होंने रखा न्यायाधीश महोदय के सामने। उन्होंने कहा कि ये जो टीचर्स है उनका जो है कहा जा रहा है इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात कर रही है सरकार, मैंने कहा जा रहा है इन लोग का डिमांड है। तो सबसे पहले उन्होंने जजमेंट को कोट किया और पीछे के कानून की बातों को बताया और उसमें उन्होंने कहा कि पे अगर दोनों का बराबर हो जाएगा यानी पुराने टीचर्स का और नए टीचर्स का, कहने का मतलब एक तरह से इंटीग्रिटी की बात हुई, तो इंटीग्रिटी पर जो है न्यायालय उसको फोर्स नहीं कर सकती, ये स्टेट का मैटर है, स्टेट को ये अधिकार दिया गया है कि वो इंटीग्रिटी अगर देती है अपनी इच्छा से तो ठीक है, नहीं देती है तो उसको फोर्स नहीं कह सकता। क्योंकि RTE जब से लागू हुआ है तब से उन्होंने जबर सिंह का केस का और जोगिंदर सिंह के केस का भी उदाहरण दिया उन लोगों ने और कहा कि वो चीज़ें हुई, उस पर से काउंटर किया गया हमारे भी जो वकील थे टीचर्स एसोसिएशन के उनके द्वारा कि वो चीज़ें अलग थी, उस समय RTE लागू नहीं हुआ था, अब RTE लागू हुआ है उसके बाद से ये चीज़ें बदली हैं, इसलिए जोगिंदर सिंह केस का इससे कोई कोरिलेशन नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इनका जो सर्विस कंडीशंस है वही डिफरेंट है, सेम तब होता तब ये बातें लागू होती, कानून उस पर लागू होता, आर्टिकल 14-16 की बात होती, लेकिन इनका तो सर्विस कंडीशन ही RTE लागू करने के कारण, चूँकि मास लेवल पर बहुत सारे स्कूल्स खोले जाने हैं, बहुत सारे प्रोग्राम संचालित किए जाने हैं, उस कंडीशंस में इनके ऊपर जो है सरकार के ऊपर ये लायबिलिटी है कि इनको कैसे इन्हांस किया जाए, तो उस परिस्थिति में इनका जो है ये कैडर ही अलग बनाया गया है, इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रांट सरकार देती है इनको डायरेक्ट पैसा हम नहीं देते हैं, बल्कि ये सच्चाई है, उन्होंने कबूल किया कि हाँ ये मैं मानता हूँ कि स्कूल हमारे सरकारी हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया है, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो मामला है वो अभी भी लोकल बॉडीज़ का है, लोकल बॉडीज़ के फंड से इनको पैसा मिलता है, हम जैसे और कॉलेजेस को ग्रांट देते हैं और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ग्रांट देते हैं, उस तरह से हम पंचायती राज को ग्रांट देते हैं, हम इनको पे आउट नहीं करते, इस तरह से चूंकि इनका सर्विस कंडीशन ही अलग है, मैटर्स अलग है, सैलरी का मैटर अलग है, तो जब कार्डर ही डिफरेंट हुआ तो आखिर ये हमारे इस केस के लिए कैसे समान काम समान वेतन की मांग कर सकते हैं, इसके लिए न्यायालय भी हमको फोर्स नहीं कर सकता है। कारण है कि इनका कैडर अलग है और कैडर बनाना और इसको इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा, राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को कन्विंस करने का कोशिश किया कि ये जो SWSP की मांग है, इनका समान काम समान वेतन की मांग है, अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो ये एक तरह से इंटीग्रेशन हुआ, यानी दोनों पोस्ट यानी पुराने पोस्ट और नए पोस्ट का इंटीग्रेशन हो गया, जिसके लिए ये हमको बाध्य नहीं कर सकते, ये राज्य सरकार के अंदर का मैटर है। यही इतनी सारी बातें आज के डेट में बहुत शॉर्ट समय में बातें हुई, कुछ जजमेंट्स की बात रखी गई इस तरह से जो 50 हाँ, तो उस पर जो है ये सारी बातें हुई हैं, बाकी कुछ बातें जो बची हुई हैं वो हमारे रंजीत सर उसको कंटिन्यू। लगभग 50 मिनट आज बहस हुई और सारी बातें कंक्लूड हो चुकी है। मेन रूप से जो है बिहार सरकार के वकील वो कैडर के बीच ही डिस्ट्रीब्यूश ये कर रहे थे कि दोनों के बीच जो है डिफरेंस है, हमको इनको डायरेक्ट रिमूव करने का भी पावर नहीं है, ये भी पावर जो है वो पंचायत और लोकल बॉडी को ही है, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर और इनमें काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए इन पर जो है आर्टिकल 14 जो है पूरी तरह से लागू होता है और डिफरेंट जजमेंट जो बता दिए हैं ये सारा चीज़ें फोकस किया। बिहार के तमाम टेट स्टेट शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट में आज 22वां दिन की सुनवाई हुई है, ये सुनवाई बिहार सरकार ने आज पुनः वही पुराने अपने गीत दोहराए हैं, ये तय मानिए कि हम जीत के दहलीज पे खड़े हैं, जीत अब हमसे चंद कदम दूर है, संभवतः कल ये आखिरी सुनवाई हो जाए, हम उम्मीद करते हैं कि कल समाप्त ही हो जाएगा ये बहस और उसके बाद जल्द ही इस मामले में फैसला हो जाएगा, हो सकता है कल भी फैसला आ जाए, हो सकता है जजमेंट रिजर्व हो जाए, फिर कुछ दिन के लिए हमको फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये कल बहस समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है क्योंकि कल पूरे दिन का बेंच है। आप तमाम साथियों से अपील है, आप बार बार अपील करके कहा जा रहा है कि संघ की स्थिति आर्थिक स्थिति दयनीय है,
आप कृपया करके सहयोग राशि अवश्य भेजें, जिससे कि यहाँ की गतिविधियों को हम समय संचालित कर सके, जिससे हमारे अधिवक्ता लगातार कोर्ट में मौजूद रहें। आज भी विभा मैडम लगातार कोर्ट में मौजूद रही हैं और उन्होंने जो बिहार सरकार के अधिवक्ता के द्वारा जो तर्क रखे जा रहे हैं उनको नोट किया है। हम बिल्कुल जोरदार तरीके से उनकी बातों का खंडन करेंगे। आप तमाम साथियों से अपील है कि अपना सहयोग और समर्थन यूं ही बनाए रखें। जय स्टेट स्टेट शिक्षक, जय एसएनएसएस, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।